तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें परीक्षा की तारीख में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। जी हां दोस्तों, अपडेट क्या आ रही है देखिए, विशेष सूचना। तृतीय सेमेस्टर परीक्षा दोस्तों 21, 22 और 23 सितंबर को हो सकती है। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा दोस्तों 27, 28 और 29 सितंबर को। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म दोस्तों 11 सितंबर से संभावित है। जी हां दोस्तों, ये अपडेट आई है रजत सिंह प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड। तो गाइस इस समय की बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हां दोस्तों, परीक्षा की तारीख में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। जी हां दोस्तों, देखिए अभी हमारा जो तृतीय सेमेस्टर का पेपर होने वाला था, ये देखिए हमारे सामने ऑफिशियल नोटिस है ये, ठीक है, जो आपके सामने दोस्तों हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, प्रशिक्षण 2017 बैच बैक पेपर एवं डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर अवशेष अनुत्तीर्ण की परीक्षाएं 18 से लेकर 20 सितंबर तक संपादित कराई जाएंगी। तो गाइस इस तारीख को यहाँ पर बदला जा रहा है, इस समय की बहुत ही बड़ी अपडेट है। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लेकिन दोस्तों जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई पहले की तरह करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी ये अपडेट है जब तक नोटिस जारी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ देखिए यहाँ पर खेल भैया पीएनपी में क्या है, नोटिस का है। होता क्या है कि सचिव जी कभी ये बोल देते, ये तारीख बता देते हैं। अभी तक क्या था दोस्तों, हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होने वाला था उसकी तारीख रखी गई थी 21, 22 और 23 सितंबर, लेकिन दोस्तों अब परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जा रहा है। अब दोस्तों देखिए 21 और 22 और 23 को कौन सा पेपर होगा तृतीय सेमेस्टर का। तो गाइस इस समय की ये सबसे बड़ी अपडेट है और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, भूलिएगा मत, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक का आपका कोई ग्रुप हो, जो भी है उनको बता दीजिए, क्योंकि इस समय थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब देखिए दोस्तों एक बात और आपको बता दें, जो हमारा अभी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कराया जाएगा इसमें देखिए 2019 बैच के वो बच्चे फोर्थ का पेपर देंगे। देखिए जिन बच्चों की भैया सेकंड में बैक नहीं थी, ठीक है, जो बच्चों की बैक लगी है वो अभी अपना सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर देंगे। सेकंड सेमेस्टर की दोस्तों जो डेट सीट है ये आपके स्क्रीन पर ये रही, द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम। तो 15 सितंबर से दोस्तों हमारा द्वितीय सेमेस्टर का पेपर शुरू हो रहा है। अगर आपकी सेमेस्टर बैक थी तो आपको भैया ये सातों सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप एक या दो विषय में फेल है तो गाइस आप अपना भैया विषय देख के उसका आप पेपर देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों पेपर का मैटर हो गया। उसके बाद दोस्तों ये हमारी प्रथम सेमेस्टर की डेट शीट आपके स्क्रीन पर ये रही, इसको एक बार दोस्तों देख लीजिएगा, समय देखिएगा जरूर, काफी बार आप लोग भूल जाते हैं कि समय क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ गणित का पेपर देने घर से निकल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, और गाइस आप कम से कम नहीं तो 11:30 बजे तक भैया सेंटर पर पहुंच जाइएगा। लेट लतीफी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए परीक्षा में, नहीं तो फिर आप टेंशन में आ जाते हैं। बाकी दोस्तों आपको पता ही है कि क्या क्या चीजें होती हैं पेपर के समय। और ये दोस्तों बात रही तृतीय सेमेस्टर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस में क्या बदलाव सच में हो रहा है, पूरी अपडेट हम आपके सामने बहुत ही जल्द रखेंगे। फिलहाल इस समय सोशल मीडिया की सबसे बड़ी अपडेट हम आपके मोबाइल में पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग dlrizult.com, जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट पर भैया जरा देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में इसका हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर सब कुछ लिंक आपको दिया जाएगा। और आपको बता दें परीक्षा के लिए युद्ध स्तर की तैयारी शुरू करिए, ठीक है। देखिए गाइस, जब तक आपकी सही तैयारी नहीं होगी तब तक आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ कर चले जाएंगे, तो बताइए आज के दिन थोड़ा बहुत से कुछ काम होने वाला है। तो गाइस कम से कम आपको दो सीरीज से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर आपकी एक सीरीज खत्म हो चुकी है तो बार बार रिविजन करने से अच्छा है कि कम से कम दूसरी सीरीज उठाकर एक बार देख लें, हो सकता है कि उसमें आपको कुछ नए प्रश्न मिल जाए। कभी कभी ये होता है जब आप पेपर देके निकलेंगे यार इस सीरीज से तो फंसा ही नहीं है, ठीक है। तो गाइस अगर आप कोई चीज पढ़े, एक बात और आपको बता दें, इस समय डीएलएड में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए मान लेते दोस्तों आपने मैथ की भैया वीडियो शुरू कर दी देखनी, सिर्फ आपने दोस्तों बहुविकल्पीय पढ़ लिया, अति लघु उत्तरी लघु उत्तरी छोड़ दिया, तो क्या आपका काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको दोस्तों स्टार्टिंग लघु उत्तरी से ही करनी चाहिए, क्योंकि कठिन क्वेश्चन तो लघु उत्तरी में होते हैं। अगर आपने लघु उत्तरी के सारी वीडियो, चाहे किसी भी विषय का पेपर हो, जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे आपका पेपर अंग्रेजी का हो, सामाजिक अध्ययन का हो, गणित विज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, अगर आपने लघु उत्तरी के सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ दिया तो डेफिनेटली आप बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी को कर सकते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी, लेकिन हम बता रहे हैं होता क्या है, इस समय बच्चे गलती क्या करते हैं, सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को रट्टा मार लेते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न याद हो गया, लेकिन लघु उत्तरी को बच्चे छोड़ आते हैं। तो गाइस इस बार वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। तो इस बार कोई बहाना किसी भी बच्चे का देखिए गाइस नहीं चलने वाला, बाद में आप ये मत कहिएगा कि इस वजह से हम पढ़ नहीं पाए। समय दोस्तों अभी भी आपके पास पर्याप्त है, चाहे थर्ड का पेपर दे चाहे फोर्थ का,
कोई वजह दोस्तों आपकी नहीं निकलनी चाहिए, याद रखिए सेकंड सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, फेल बच्चे एक बार जरा ध्यान रखिए, बैक लग चुकी है आपकी ना, तो आपको पता होगा कि बैक लगने के बाद कितना बुरा फील होता है। तो गाइस इस बार पूरी तैयारी करिए, प्रैक्टिस, याद रखिएगा अगर आप गणित में फेल हैं, अंग्रेजी में फेल हैं, तो प्रैक्टिस ही आपको दोस्तों बचा पाएगी। आप ये कहिए कि गणित का एक सवाल लगा ले उसके बाद आप आराम से निकल जाएंगे, तो ये गलत है। जब तक दोस्तों आप प्रश्नों का अभ्यास बार बार नहीं करेंगे, तब तक देखिए गणित में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब गणित का पेपर मिलता है तो आधे बच्चे तो पेपर देखकर कांपने लग जाते, इतना डर हो जाता है कि यार गणित का पेपर क्या होगा हमारा। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर मिलते ही आप लोग तुरंत सबसे पहले आसान प्रश्नों की तरफ आप देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको आसान लगे सबसे पहले आपको उसको हल कर लेना है। देखिए होता क्या है कि अगर पेपर में दोस्त आपको कम से कम नहीं तो 7-8 क्वेश्चन आसान मिल गए तो ये मान के चलेगा कि आप बिल्कुल पासिंग मार्क के करीब पहुंच जाएंगे। गलती क्या करते हैं, सोचते हैं बच्चे यार कठिन वाला सवाल चलो पूछ लेते हैं किसी से, आसान वाला तो हम कर ही लेंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए, पहले जितने आसान प्रश्न आए उसको आपको दोस्तों फटाफट कर लेना है। जो कठिन प्रश्न बच जाए, अगर आपके भैया क्लास में नकल हो रही है, दोस्त आपके दिखा रहे तो वो तो ठीक है दिखा देंगे, नहीं तो इस बार देखिए भरोसा आप किसी पर कर नहीं सकते। वैसे अगर आप एक बैक प्रशिक्षु हो तो देखिए आपका जो साथी पेपर देगा बैक वाला, उसको भी तो कम आता होगा, तभी तो उसकी बैक लगी होगी ना, इसको जरा समझ लीजिए आप लोग। इस बार आप किसी के भरोसे नहीं जा सकते, इस बार आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा और पूरी मेहनत के साथ आपको पेपर देना है। मेहनत अच्छी करेंगे तो गाइस डीएलएड का पेपर कभी इतना कठिन आज तक नहीं बना कि आप उसको पास ना कर पाए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं डीएलएड में, आप देख के कहते हैं अरे यार ये पास हो गया, लग ही नहीं रहा था ये पास होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी यही होता है तुक्का कि कुछ क्वेश्चन आप पढ़कर जाइए वही फंस गया, तो भैया आपका तो बेड़ा पार है, लेकिन कुछ बच्चे पूरी किताब को रट्टा मार लेते हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो सब कुछ पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है। तो गाइस प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो भी दोस्तों परीक्षा की तारीख को लेकर ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया, लगातार दोस्तों उसको आप चेक करते रहिए। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर मान लेते कि भैया थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट को एक बार फिर से बदल दिया जाता और डेट शीट दोस्तों बदल कर क्या कर दिया जाता है कि पेपर ये 18 से 20 सितंबर लेंगे, ठीक है, मान लेते दोस्तों अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये ऑफिशियल अपडेट ही है, जो नोटिस हम आपके सामने रख रहे हैं ये कोई टाइम पास वाली नोटिस नहीं है। इसी नोटिस से ही दोस्तों हमारा प्रथम सेमेस्टर का पेपर 12 सितंबर से 14 सितंबर तक हो रहा है। ये देखिए ये दोस्तों डेट शीट है 12 सितंबर से लेकर 14, ये ऑफिशियल डेट शीट हम आपके सामने रख रहे हैं, कोई टाइम पास वाली डेट शीट नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो द्वितीय सेमेस्टर की बात लिखी थी 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक, ये दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिस में एक बार इसको भी जरा देख सकते हैं 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। जब हमारा थर्ड का पेपर की बात थी तो 18 से लेकर 20 तारीख तक बात लिखी है, लेकिन अब क्या मैटर हो जाए, क्या दिक्कत आ गई पीएनपी को भैया, वो तो जल्दी ही वो कंफर्म करेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे। तो गाइस पूरी ताकत झोंक दीजिए, लापरवाही आपको नहीं करनी है, इस बार किसी भी कीमत पर आपको बैक क्लियर करना पड़ेगा ताकि दोस्तों आप प्रमोट हो पाए और आप भी नए शिक्षक भर्ती के पात्र हो। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे पास होंगे ये मान के चलिएगा भैया नई शिक्षक भर्ती आपका इंतजार कर रही है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करना तो भूल जाते लेकिन लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं।